फिनटेक में, डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए हैं। हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। हम भारतीय महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। कानून बनाकर हमने भारत की महिलाओं को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन भी दिया है। हम आज भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम का इतना बड़ा जंप, आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलीवरी और सैचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहे हैं। सैचुरेशन की अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं, सरकार खुद उस तक पहुंचे। गवर्नेंस के इस मॉडल में भेदभाव और भ्रष्टाचार दोनों की ही गुंजाइश समाप्त हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक भारत ने पिछले 10 वर्षों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और उसके पीछे इस गवर्नेंस मॉडल की बड़ी भूमिका रही है। साथियों, जब सरकारें पारदर्शिता को प्राथमिकता देती हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं और भारत इसका भी एक उदाहरण है। आज भारत के 130 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटिटी है। लोगों की ये डिजिटल आइडेंटिटी उनके बैंक्स, उनके मोबाइल सब इंटरकनेक्टेड है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिस्टम डेवलप किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। इस सिस्टम की मदद से हमने बीते 10 साल में 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए हैं। ऐसा करके हमने करप्शन की बहुत बड़ी गुंजाइश को जड़ से ही समाप्त कर दिया है। हमने देश के 33 बिलियन डॉलर से ज्यादा गलत हाथों में जाने से भी बचाया है। फ्रेंड्स, जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी अप्रोच रही है। भारत आज सोलर, विंड, हाइड्रो के साथ साथ बायोफ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का। ये मिशन प्रो प्लेनेट पीपल का रास्ता दिखाता है।
हम कार्बन क्रेडिट की अप्रोच को भी काफी समय से देख रहे हैं। अब इससे आगे बढ़कर हमें ग्रीन क्रेडिट के बारे में सोचना चाहिए। इसकी चर्चा मैंने यहां दुबई में ही COP28 के दौरान बहुत विस्तार से की थी। साथियों, जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्न हैं। हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस में बैलेंस कैसे बनाएं? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी कमिटमेंट पर कायम कैसे रहे? नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम ग्लोबल गुड के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कैसे करें? हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से विजडम लेते हुए भी यूनिवर्सल वैल्यूज को समृद्ध कैसे करें? हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए उसके नकारात्मक प्रभावों के उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाएं? हम वैश्विक शांति के लिए प्रयास करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कैसे मिलकर काम करें? आज जब हम अपने देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने है। इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है। हमें मिलकर कोहेसिव, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव वर्ल्ड की वैल्यूज को प्रमोट करना होगा। हमें डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न्स और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी, उनकी प्राथमिकताओं को सामने लाना होगा। हमें जरूरतमंद देशों के साथ अपने रिसोर्सेस और अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करना होगा। हमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम ऐसे पैदा हो रही चुनौतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे। हमें अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को प्राथमिकता देते हुए इंटरनेशनल लॉ की मर्यादा भी रखनी होगी। इन्हीं भावनाओं पर चलते हुए हम न केवल सरकारों के सामने उपस्थित चुनौतियों का समाधान करेंगे बल्कि विश्व बंधुत्व को भी मजबूती देंगे। एक विश्व बंधु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी हमने इसी भावना को आगे बढ़ाया। हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसी भाव से चले। फ्रेंड्स, हम सभी के पास गवर्नेंस को लेकर अपने एक्सपीरियंसेस है। हमें न सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करना है